नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। सिरसा में मीडिया सेंटर में आयोजित विशेष कैंप मीडिया कर्मियों का वैक्सीनेशन। उपायुक्त प्रदीप कुमार ने दो दिवसीय वैक्सीनेशन कैंप का शुभारंभ किया। उपायुक्त प्रदीप कुमार ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण में सुधार। पल पल सिरसा से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। उपायुक्त प्रदीप कुमार ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए जिला प्रशासन व धार्मिक संस्थाओं तथा ग्रामीण स्तर पर पंचायतों का भरपूर सहयोग मिला है। इससे अब गांव में संक्रमण पर रोक लगने में काफ़ी सहायता मिली है। जिला का रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ रहा है। उनका सहयोग से जिला के गाँव में कोरोना संक्रमण बचाव के लिए मेडिकल किटें वितरित की गई हैं। जिलावासी अब काफ़ी जागरूक हुए हैं और वैक्सीनेशन के लिए आगे आ रहे हैं। नियमों की भी गंभीरता से पालना कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले एक सप्ताह में जिला में काफ़ी सुधार हुआ है। उपायुक्त प्रदीप कुमार आज मीडिया सेंटर में वैक्सीनेशन सेंटर के शुभारंभ के उपरांत मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उसमें भी आज हमने एक अभी 11 बजे मीटिंग रखी है, उसमें हम इसके रोकने के लिए जो भी हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर बेड्स की रिक्वायरमेंट है, उसके अलावा जो दवाइयों की ज़रूरत है उसके लिए हम अभी तैयारी कर रहे हैं कि भी कैसे दवाइयाँ प्रोवाइड की जाएँ। रिकवरी भी देखिए, पिछले आज 20 तारीख है, 13 तारीख से हमने दवाइयों की डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया था। एक सप्ताह में हमें भी कुछ थोड़ी ही शांति मिली है कि भाई कल 251 पेशेंट्स पॉजिटिव मिले थे 2390 में से, तो काफ़ी अच्छा है। पॉजिटिव रेट भी काफ़ी डाउन हुआ है, तो उससे हमें भी आशा है कि निश्चित तौर के ऊपर कंट्रोल हो पाएगा। मैं मीडिया के सभी साथियों को भी बधाई देता हूं, उन्होंने लेट कर दिया और पहले करवा लेना चाहिए था, क्योंकि वो हमेशा ही फ्रंट लाइन वर्कर्स होते हैं हर जगह, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, मार्केट हो, हर जगह आप लोग फील्ड में होते हैं। तो मैं तो चाहता था आप लोग थोड़ा पहले एक्टिव होते तो जितनी जो शुरुआत हुई थी जनवरी में उसी टाइम करवा लेनी चाहिए थी, लेकिन चलो अभी भी देर नहीं है। आप लोगों और प्रशासन ने हमें CMO साहब से डिस्कस हो गए, ये शुरुआत होगी तो अच्छी बात है, आप करवाइए वैक्सीन और प्रॉपर यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे जितने भी पैरामीटर्स हैं उनका पालन करें। पिछले एक सप्ताह से यानी 13 मई से हमने गाँवों में जो दवाइयों की किट्स बांटनी शुरू की, जिसमें शहर के दानी सज्जनों का बहुत सहयोग रहा। उसके बाद जो फीडबैक आया है, जिसमें हमने RMP डॉक्टर्स की भी मदद ली, दूसरी स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद ली, पंचायतों की मदद ली, आइसोलेशन सेंटर बने हैं गांवों में, मिलजुल कर उससे काफ़ी अच्छा फीडबैक आया है कि अब सोशल डिस्टेंसिंग भी लोगों ने मेंटेन करना शुरू किया है, और ये जिनको सिम्टम्स हैं किसी तरह के भी कोरोना के, उन्होंने दवाइयाँ लेनी शुरू कर दी हैं, और उसका काफ़ी सकारात्मक रवैया है पब्लिक का भी, और उसके रिजल्ट भी अच्छे हैं। उन्होंने की ठीक रही पहरा, चाहे दिन हो चाहे रात को ठीक तरह लगाया गया ताकि गांव में कोरोना की दस्तक न हो सके, कितना नज़र से देखते हैं? देखिए, लॉकडाउन लगने के बाद भी बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, जो भी SOPs उनको फॉलोअप नहीं कर रहे थे, लेकिन पीछे समस्या थोड़ी गंभीर हुई थी जिसमें कोरोना का जो संक्रमण हुआ, जिससे लंग्स इफेक्ट होते थे और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती थी, और ऑक्सीजन के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, अब देखिए ब्लैक फंगस भी उसी का रिजल्ट है। तो ये चीज़ें थोड़ी पहले भी समझ में आनी चाहिए थी हमारे को सभी को, लेकिन जब भी समझ में आ जाए उतना ही अच्छा है। तो अब ठीक रिपेयर आके भी हमने आदेश किए थे, उसको फॉलोअप कर रहे हैं, और असली बात तो है दवाई लेना। यदि हम घर पर बैठे रहेंगे, बीमारी से आँखें बंद करेंगे तो उससे नुकसान ही होगा, लेकिन अब दवाइयाँ पहुँच गई हैं और फीडबैक भी आया है मीडिया से भी और दूसरे लोगों से, लोग दवाई भी ले रहे हैं और उनको कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है।